दिल्ली ने गत वर्षों में सीलिंग का जो मंजर देखा वो बेहद भयावह था। किसी का मकान, किसी की दुकान और किसी का जीवन निर्वाह का जरिया सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी ने किसी को नहीं बख्शा। फिर चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो, एनक्रोचमेंट या फिर सरकारी जमीन पर हुआ कब्जा, हर किसी को मॉनिटरिंग कमेटी का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एक आदेश जारी कर ये स्पष्ट किया है कि जिस रिहायशी इमारत का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं हो रहा उस पर कार्यवाही का आदेश कमेटी को नहीं है और उन इमारतों को तत्काल प्रभाव से डीसील किया जाए। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं जिनको अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग के आधार पर सील किया गया था, जबकि उनका व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोगों को सीलिंग की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिस वक्त सीलिंग हो रही थी उस वक्त भी कई मामलों में लोगों ने मॉनिटरिंग कमेटी के काम करने के तरीके पर मनमानी के आरोप भी लगाए। लेकिन तब बीजेपी और आप केवल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने में जुटी थी, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने किसी की एक न सुनी और जो हाथ लगा उसी को सील कर दिया। और ये सीलिंग नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और एक दूसरे पर जमकर पलटवार भी हुए। जहां एक और दिल्ली सरकार सीलिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही थी, तो वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की मिली भगत करार दे रही थी। लेकिन अब तकरीबन साल भर बाद एक बार फिर बीजेपी ने दिल्ली में हुई सीलिंग को मुद्दा बनाया है और ये आरोप लगाया है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने जिस वक्त सीलिंग की तब बहुत से लोगों ने सदमे के कारण अपनी जान गंवा दी। जिन लोगों ने सीलिंग के मापदंड को गलत बताया उनसे जांच और न्याय के नाम पर 1,00,000 रुपए की मोटी रकम वसूली गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मॉनिटरिंग कमेटी के इस रवैये को गलत बताया और न्याय के लिए 1,00,000 रुपए की मोटी रकम लिए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से जनता के रुपयों को वापस किया जाना चाहिए और जनता को निःशुल्क जाँच मिलने के आदेश दिए जाने चाहिए। 5,000 रुपए की जो इस समय लाले पड़े हैं कोरोना संकट में, आप एक परिवार का 1,00,000 रुपए लेके उसको तुरंत वापस करें और बिना किसी शुल्क के उनकी न्यायपूर्ण सुनवाई करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दें और वर्तमान जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। दिल्ली में निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां विपक्ष पर हमलावर होने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सीलिंग की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपना रोजगार खो दिया, उन लोगों की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई पार्टी इसमें आम जनता के लिए आवाज उठाएगी या फिर मामला केवल राजनीतिक दांव पेच तक ही सिमट कर रह जाएगा? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट।